वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस दुदात मीनू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ परफेक्ट लिपस्टिक हमें कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको 3 हैक्स दिखाने वाली हूँ और उसमें मैं आपको मेरे टॉप 10 फेवरेट लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ और उसमें मैं आपको शेड भी बताऊंगी और मैं उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें और मैं उसमें आपको न्यूड शेड भी दिखाने वाली हूँ, डार्क शेड्स भी दिखाऊंगी। वैसे तो मेरे पास इसमें सारे फेवरेट लिपस्टिक है पर मैं उसमें से आपको टॉप 10 लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट हैक है जो है, अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई है या आपके जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं तो इसमें क्रेकी दिखता है, तो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना है। पहले तो हमें अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब करना है, पर हम स्क्रब कैसे करें कि जो हमारी डेड स्किन है वो सारी निकल जाए। पहले तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी बेबी लिप्स या आपके पास जो भी बेबी केयर है वो हमें अपने लिप्स पे अच्छी तरह से लगा लेना है ऐसे, और के बाद हमें लेना है ऐसे ब्रश लेना है अच्छे से और हमें अपने लिप्स पे ऐसे रब करना है। गाइस, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो ड्राई होती है, जो स्किन होती है यहाँ पे, वो सारे निकल जाती है और आपके लिप्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं। इससे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं और इतने अच्छे हो चुके हैं। आपको यही करना है। अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई होते हैं तो आपको कभी भी ये स्टेप मिस नहीं करना है। पहले हमें बेबी लिप्स कोई भी लगाना है या बेबी केयर का कुछ भी लगा सकते हो पहले। हमें अच्छे से ये लगा लेना है पहले तो। को तीसरा हैक दिखाती हूँ क्योंकि अभी मैं बात करती हूँ कि अगर किसी के लिप्स थोड़े बहुत डार्क है या ऐसा है, यहाँ का पार्ट डार्क है, यहाँ का पार्ट डार्क है, तो जो लिपस्टिक का शेड जो रहता है वो परफेक्ट नहीं दिखता है और कलर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है और अपने फेस पे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें उसको इवन शेड करना है पहले तो, कि हम इवन शेड कैसे करें। उसके लिए हमें कोई भी कंसीलर लेना है, आपके पास कोई भी कंसीलर है वो आप ले सकते हो और हमें यहाँ पे उसको अच्छे से ऐसे लगाना है और अपने हाथों से, अपनी उंगली से उसको अच्छे से स्मच करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे उसको अच्छी तरह से स्मज कर लिया है। अभी हमारे लिप्स बिल्कुल इवन लग रहे हैं हमारी स्किन से। हमें ऐसा ही करना है कि उससे आपका लिप्स भी अच्छी तरह से पॉपअप भी होंगे और आपकी लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए पहले तो मैं दिखाती हूँ कि हमें लिपस्टिक कैसे करना है। गाइस, ये है नायका की लिपस्टिक है, इसका शेड है GO80 गॉट और 07 है, आप देख सकते हो। और ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छे टेक्सचर देती है, मैं आपको दिखाती हूँ कभी। अगर आप कभी भी लिक्विड लिपस्टिक यूज करते हो तो आपको इसका जो टॉप रहता है उससे अपना पहले तो बॉर्डर अच्छे से बना लेना है। अभी मैंने ये जो लिपस्टिक लगाई है नायका की है, उसका शेड है गॉट। आप देख सकते हो कितने अच्छे और कितना स्मूथ टेक्सचर लगता है इसमें, जो क्रेकी हो जाता है वो नहीं होता है, जो मैंने आपको 3 हैक्स सिखाए इसमें से। आप बिल्कुल से वो फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, अभी जो मैंने ये लिपस्टिक लगाई ये बहुत ही न्यूड लिपस्टिक और ये मेरी बहुत ही अच्छी फेवरेट में से एक है ये जो लिपस्टिक है। इससे इतनी अच्छी, और जब भी हम कुछ वेस्टर्न पहनते हैं या बहुत हमें कुछ लाइट मेकअप चाहिए, न्यूड मेकअप चाहिए, तो तभी मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ। ये जो लिपस्टिक है वो है नायका की लिपस्टिक है, इसमें जो इसका शेड है ये है जानवी 23। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और ये इंडियन स्किन के लिए, जो हमारे तरह जो है थे इंडियन स्किन में जो बहुत फेयर नहीं है, मीडियम फेयर में आते हैं या ब्रिटिश में आते हैं, उसके लिए ये इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट लिपस्टिक है और ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लिपस्टिक का शेड लग रहा है।
ये जो थर्ड लिपस्टिक है जो मैंने अभी लगाई हुई, ये भी बहुत ही अच्छा न्यूड शेड है और वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये है, ये भी नायका की है और इसका शेड है बॉम्बई शेड है, बॉम्बई 01 ये शेड है इसका। और ये बहुत ही अच्छी लगता न्यूड है और इसका टेक्सचर भी। न्यूड भी इसीलिए दिखाती हूँ, किसी को न्यूड लेना होता है पर कंफ्यूजन होते हैं कि ये मेरी स्किन पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। सो उसके लिए मैं आज ऐसे लिपस्टिक लाई हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी ट्राई की हुई है और ये मेरी सारी फेवरेट लिपस्टिक, ये सारी न्यूड लिपस्टिक मेरे फेवरेट में से है। क्योंकि मैं बहुत तो पहले मैं भी बहुत डरती थी कि मेरे पे न्यूड लिपस्टिक कैसे लगेगी, इंडियन स्किन है थोड़ी विटीस है तो कैसे लगेगी। सो ये सारी मेरी टेस्टेड लिपस्टिक है, अगर आपको लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। और मैं आपको शेड और सारे डिटेल्स में आपको ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है। सो ये है मेरी लिपस्टिक। अभी फोर्थ लिपस्टिक है, ये है जो मैंने लगाई हुई है, ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क की है और इसका शेड है लवर 15 लिप कलर। ये बहुत ही अच्छे इसका टेक्सचर और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ऑलमोस्ट ये 15 आवर्स तक सुपर स्टे मैट लिपस्टिक है। सो बहुत ही अच्छी है, अगर आप कुछ खाते भी है तो भी नहीं निकलती है, मीन्स ये पूरे दिन अच्छे से चलती है। वैसे तो मुझे पता है क्योंकि मैं कभी भी कोई लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं कुछ पानी भी दूँ या खाती भी हूँ तो निकल जाती है। सो मैंने ये लिपस्टिक स्पेशल इसीलिए कि मुझे शाम तक रखना है या लॉन्ग लास्टिंग सुपर स्टे, सो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और आप ये शेड देख सकते हो, ये भी न्यूड पिंकिश शेड है। अगर किसी को पिंकिश लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आप इसके शायद बिल्कुल से जा सकते हैं, आप बिल्कुल से ये बाय कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है। सो ये इतनी अच्छी है कि कहीं पे भी आप नहीं लगती, इतनी अच्छी है कि आप बिल्कुल से जा सकते हो। जिसको ये पिंक शेड अच्छा लगता है और उसमें न्यूड चाहिए तो ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है। आपको बताती हूँ कि ऐसी जो लिपस्टिक्स होते हैं वो आसानी से निकलती भी नहीं है, रब करेंगे ऐसे तो भी नहीं निकलती है। तो उसको आपको निकालना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक हैक दिखाती हूँ कि हमें ऐसे लिपस्टिक को कैसे निकालना। ऐसे कुछ वाइप्स लेने हैं और उसमें हमें थोड़ा कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है या कुछ भी है, आप इसमें लेना है हमें थोड़ा ऐसे, और हमें उसको अच्छे से। सो गाइज, ऐसी लिपस्टिक को निकालने के लिए आपको ऐसा करना है जरूरी, अदरवाइज आप कितना भी रब करेंगे, कितना भी फेस वॉश करेंगे तो भी ये नहीं निकलने वाली, बिकॉज ये है सुपर स्टे मैट लिपस्टिक। अभी मेरे सारे न्यूड मैंने जो मेरे फेवरेट थे वो मैंने आपको दिखा दिए है। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ डार्क लिपस्टिक में। सो आपको डार्क लिपस्टिक में मैं आपको शेड दिखाने जा रही हूँ। सो गाइज, ये है मेरे डार्क लिपस्टिक है जो मैंने यूज की हुई, आप देख सकते हो। ये है फ्रॉम शुगर की है ये, और इसका शेड है, ये मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है और इसका शेड है 01 मरून वाइब्स, आप देख सकते हो। ये स्लाइट ऐसी मरून एंड ब्राउन शेड का कॉम्बिनेशन में है, सो आप कुछ भी ब्राउन या मरून जब कुछ पहनते हो तो उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है और आपसे इससे आपका फेस भी बहुत अच्छी तरह से ग्लो होता है ऐसे डार्क लिपस्टिक से। सो आप देख सकते हो। ये रही मेरी जो दूसरी डार्क लिपस्टिक है, ये है स्लाइट ऐसी है डार्क पिंक पे है, और जो आती है जो डार्क पिंक शेड है और बहुत ही ऐसे रोज पेटल जैसे अपने लिप्स लगते हैं इससे। और ये है ऑल्सो फ्रॉम, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शुगर एंड इसका शेड है 12 बेबी हाउस मैन है, और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक आती है। सो और ये जो रहती है थोड़ी क्रेयॉन्स में रहती है और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आता है और ये बहुत ही अच्छी है लिपस्टिक। अभी ये जो शेड मैंने किया है ये बहुत ही परफेक्ट
प्लम रेड जो बोलते हैं ना, जो प्लम्स आते हैं एकदम रेडिश ऐसे लगते हैं। सो कभी भी हमें कुछ वेडिंग फंक्शन में जाना रहता है, कुछ शादी में है या कोई नाइट पार्टी में जाना है जिसे हमें डार्क लिपस्टिक लगानी है, रेड पे जाना है, तो ये परफेक्ट शेड है, आप देख सकते हो। ये नायका की है और इसका जो शेड है वो है परफेक्ट प्लम 02 लिप क्रेयॉन है, और ये है इसका ऐसा है, आधी यूज कर ली है मैंने। सो ये शेड है और बहुत ही अच्छी है। तो अभी जो ये मैंने शेड लगाया हुआ है ये ऑरेंज शेड है, और ये भी है मेबिलियन न्यूर की है, ऐसी लिपस्टिक आती है। सो और उसमें पीछे एक ऐसे स्मर्जर जैसा आता है, अगर आपको उसको अच्छे से करना है, पर मुझे तो कभी भी उसको लाइट डार्क करना है, लाइट करने के लिए है ये यूज़ होता है, पर मुझे तो कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। और इसका जो टेक्सचर एकदम वेलवेटी टेक्सचर है और बहुत ही लाइट, आपने लिपस्टिक लगाई ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सो ये तो मेरी फेवरेट में से है ही, ये सारी फेवरेट ही है। सो कभी भी मुझे ऑरेंज शेड पर जाना है, कुछ मैचिंग लगानी है, सो मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ। अभी मैंने ये जो लिपस्टिक लगाई है ये पिंक शेड पे है, सो ये भी है सेम मेबिलियन न्यूयॉर्क की है, और इसका शेड है फुशिया है इसका शेड, और ये भी बहुत ही अच्छी वेलवेटी टेक्सचर देता है, और ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बहुत डार्क भी नहीं जाना है, न्यूड पे भी नहीं जाना है, तो ये कलर, ऐसे कलर बहुत ही अच्छे आते हैं, और इसमें बहुत सारे से आते हैं। सो पर मैंने यहाँ पे 3 कलर जो लिए हैं वो मेरे सबसे अच्छे हैं, कि कभी भी मुझे जाना रहता है या ऑफिस है या कहीं पे भी जल्दी में, तो मैं ये लगाती हूँ। सो बहुत डार्क भी ना लगे और बहुत लाइट भी ना लगे, सो ये परफेक्ट है। ये शेड है मेरा ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड है, और ये है मेरी लैक्मी 925, ये है 925 का है, और इसका शेड है MR4 चेरी चिक है, और ये बहुत ही अच्छा है, जिसे ब्राउन शेड अच्छा लगता है या कोई भी आउटफिट पे पहनना है ब्राउन, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे न्यूड लिपस्टिक है जो है वो लगे ही नहीं, हमें लिपस्टिक लगी है और ऐसा लगने के लिए ये ऐसी लिपस्टिक है, और ये है नायका की है, ये एकदम क्रीमी बेस है और ऐसे आती है इसकी लिपस्टिक का, और इसका शेड है वेकअप, और ये इतनी अच्छी है, क्रीमी है। मेरा टॉप 10 तो नहीं, पर मैंने आज आपको टॉप 11 लिपस्टिक दिखाई हुई है, कि जो मुझे मेरी फेवरेट है सबसे, और उसमें से आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल सके कि आपकी स्किन पे भी कैसे सूट हो सकती है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, की जैसे मैं कुछ नए वीडियोस बनाती हूँ तो आप उसे एंजॉय कर सके। सो बाय गाइस।